बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये चांद रात की वीडियो है जो कि हमारे बकरे चांद रात में मतलब दिन में ही आए थे, तो अभी जो है ना हम बकरों की खूब खातिर तवाज़ा हो रही है और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं बकरों को देख कर और जो है खूब काफ़ी तवाजा कर रहे हैं, खेल रहे हैं बकरे से। तो जनाब ये चांद रात को जो है यानी कि कल रात की वीडियो है और आप सुनाएं आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक हो आप सबको। और माशाल्लाह से सबके यहाँ आज कुर्बानी हुई होगी, तो हम लोगों ने भी आज जो है कुर्बानी हो गई हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खूब रौनक हुई थी गली में जो ना जानवरों से, बकरों से, गायें भी बंधी हुई थी, बकरे भी थे, तो बड़ी रौनक लगी हुई थी गली में और बच्चे को जो है मज़े गुल्ला गुल्ला कर रहे थे बकरों के साथ, को प्यार कर रहे थे उन्हें और खिला पिला रहे थे को। तो माशाल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है और अभी हमने बनाया है लंच। तो खाने में मैंने वही जो मतलब यखनी पुलाव बनाया और साथ कलेजी बनाई। वैसे तो आम रूटीन में आम दिनों में भी हम ये सब कुछ बना रहे होते हैं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त की अलग ही बात होती है खाने की। तो सुन्नत इब्राहिम भी है कि जो है कुर्बानी जो करते हैं तो हमें जो है कलेजी से ही अपने खाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो कलेजी हमारी बन गई, पुलाव बन गया, मीठा बनाया था, खीर बनाई थी, खीर भी मैंने रात में ही बना ली थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ ईद की। तो फिर दोबारा से कहती हूँ आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।